के बाद एक बार फिर स्वागत है। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह ने जनविश्वास यात्रा के प्रभारी बाबूराम निषाद से खास बातचीत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ 19 दिसंबर से हुआ है और हमारे साथ जो है बात करने के लिए इसके प्रभारी बाबूराम निषाद जी हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है उसका क्या उद्देश्य है? जन विश्वास यात्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन का विश्वास, आशीर्वाद, वोट रूपी उसकी ताकत पार्टी को प्राप्त है। और निश्चित रूप से जब जन ने हमें इस तरीके की ताकत दी है और लगातार उसका विश्वास कायम है, तो हम पुनः 2022 में चुनाव में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और फिर हम जनता के विश्वास पर खड़े उतर कर खड़े हुए हैं केंद्र की सरकार के नाते और प्रदेश की सरकार के नाते। 2017 में जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान भी आप लोगों ने यात्रा निकाली थी, और अब 2021 लास्ट यानी 22 जो कि आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या माना जाए इस यात्रा का कितना लाभ आप लोगों को मिलेगा? इस यात्रा के माध्यम से हमारे साथ उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसका हमें इसने आशीर्वाद मिला हुआ है। और निश्चित रूप से हमने एक नारा दिया था हमारे नेता ने, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके अनुरूप सरकारों ने करके दिखाया है। और जब करके दिखाया है तो फिर हम करके जब काम खड़े हुए हैं तो जनता से और संबंध बनाएंगे और संपर्क बढ़ाएंगे और मोबिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमने में कोई खोट नहीं है। पार्टी ने जो नीतियां थी उनको अच्छा सा लागू किया है। जिस तरह से विपक्ष का ये भी एक अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार यूपी में दौरा एक लगा हुआ है, तो उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं आप लोग को एक डर है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रति लोग उभर कर आ रहे हैं सामने, क्या बताएं? कहीं कोई उभर कर नहीं आ रहा है। हमारी प्रदेश की ये जन विश्वास यात्राएं 403 विधानसभाओं पे जा रही है और सीधे जनता से हमारा संपर्क स्थापित हो रहा है। बड़ा जोर का जन समर्थन जैसे हमारे को मिला हुआ था वही अभी भी कायम है, और उसको और बढ़ाने के लिए और गति देने के लिए, क्योंकि हमने करके काम किया है तो जनता के बाद बेहिचक जा रहे हैं। नारा आप लोग दे रहे हैं एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो क्या लग रहा है 2017 की अपेक्षा इस बार कितनी ज्यादा सीखे? हमारी पार्टी ने हमारे नेतृत्व में जो नारा दिया है 300 प्लस पार का, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं इस यात्रा का प्रभारी होने के नाते आज मैं 32 विधानसभाओं से भ्रमण करते हुए फरुखाबाद पहुंचा हूं, जो जब अपार जन समर्थन इस जन विश्वास यात्रा को मिला है, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो नारा है हमारा 300 प्लस पार का, किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या पूर्ववर्ती सरकार की जो नाकामियां रही या फिर केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किया उसको लेकर? क्या निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार का जो काम रहा है और जो जनता ने उसको महसूस किया है, हम बार बार वो चीज बताएंगे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। अगर ये सत्ता में आए तो जो हमने राम मंदिर हमारा बन रहा है तो रोकेंगे। निश्चित रूप से ये काशी का जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है इस पे ये अवरोध उत्पन्न करेंगे। निश्चित रूप से ये हमारी जो योजनाएं हैं उनको विफल करेंगे। जो जनता को हमने समय रहते शिक्षा हो, चिकित्सा हो और स्वास्थ्य के प्रति और जनता की समस्याओं के प्रति जो सुशासन कायम हुआ है उस पे कमी आएगी तो नहीं पाए, इस नाते पुनः वो अभियान हम प्रयास करेंगे। ये तो बाबू का साफ कहना है कि इस बार के चुनाव में जो है 300 पार की ज्यादा सीटें लाएंगे, और इसके अलावा जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। सहारा समय के लिए फर्रुखाबाद से कैमरामैन प्रमोद त्रिपाठी के साथ संजीव।